गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवीज क्लास। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट का ट्रू और फॉल्स कंप्लीट किया था। ओके, नाउ टुडे वी विल राइट ऑन सेक्शन बी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है, हमारा डी वाला क्वेश्चन है, आंसर इन वन वर्ड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट नंबर है टी एच ई द ओ यू टी ई आर आउटर कलर्ड, सी ओ एल ओ यू आर ई डी कलर्ड, पार्ट पी ए आर टी पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, जो फ्लावर का आउटर कलर्ड पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेटल्स। तो लिखिए यहाँ पे पी ई टी ए एल एस पेटल्स। पेटल्स मतलब होती है पंखुड़ियां। ठीक है, सेकेंड नंबर है पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स की स्पेलिंग पी ओ डबल एल ई एन पोलन ग्रेन्स, जी आर ए आई एन एस। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जहां पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? स्टेमन, एस टी एम एम ई एन, क्या बोलेंगे इसे? स्टे मंस। ठीक है, थर्ड नंबर है द बेबी प्लांट इनसाइड द लीफ। लीव्स की इनसाइड में जो बेबी प्लांट होता है उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एम्ब्रियो। तो लिखिए यहाँ पे ई एम बी आर वाई ओ एम्ब्रियो, लिख लिया। चलिए फोर्थ पे आइए, द स्कैटरिंग। क्या है स्कैटरिंग की स्पेलिंग? एस सी ए डबल टी ई आर आई एन जी, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट से जो सीड का स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग मीन्स होता है बिखराव होता है जो सीड्स का पेरेंट प्लांट से, उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल। क्या बोलते हैं उसे? डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स होता है फैलाव या फैलाना। ठीक है, तो लिखिए डी आई एस पी ई आर एस ए एल डिस्पर्सल। ठीक है, कमऑन फिफ्थ, वॉटर हेल्प्स टू सॉफ्टन।
प्लांट्स में जो पानी होता है वो क्या सॉफ्ट करता है, क्या सॉफ्ट करने में मदद करता है? सीड कॉट, लिखिए यहाँ पे एस डबल ई डी सीड, डैश लगाइए, आगे लिखिए सी ओ ए टी सीड कॉट, मतलब जो बीज होता है, बीज का जो ऊपर की कवर होती है उसे वो क्या करता है, सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। आगे आप लोगों को समझ में? थैंक यू।